गेनिकमिस्ट्री और लेक्चर नंबर टू पर आज बात करेंगे हम और आज का जो हमारा टॉपिक है विच इज़ आइसो मेरिज्म आइसो मेरिजम पर बात करेंगे आइसो मेरिजम्स क्या होते हैं पहले भी हम बात कर चुके हैं वो केमिकल कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट उनका स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा डिफरेंट होगा वो आपके पास आइसोमेरिज्म कहलाते हैं यानी वो कंपाउंड जिन यानी सर वो केमिकल कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा सेम होगा बट उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा डिफरेंट होगा वो क्या कहलाएंगे आइसोमर्स कहलाएंगे कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म ठीक है आइसोमेरिज्म की चार टाइप्स होती हैं स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की चार टाइप होती हैं चेन आइसोमेरिज्म जिसको आप स्केलेटल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और फोर्थ वन है मेटामेरिज्म ठीक है बात करते हैं चेन आइसोमेरिज्म की चेन और स्केलेटल यानी कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन चेन ऑफ कार्बन एटम आर कॉल्ड चेन या फिर स्केलेटल आइसोमेरिज्म मिसाल के तौर पर ये तीन केमिकल कंपाउंड है इन तीनों केमिकल कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ठीक है देखें इस केमिकल कंपाउंड में कितने कार्बन है वन टू थ्री फोर फाइव और हाइड्रोजन कितने हैं थ्री और टू फाइव फाइव और टू सेवन सेवन और टू नाइन नाइन एंड थ्री ट्वेल्व तो इसमें पांच कार्बन है बारह हाइड्रोजन है इसमें भी काउंट कर लें पांच कार्बन बारह हाइड्रोजन और इसमें भी पांच कार्बन है और बारह क्या है हाइड्रोजन मौजूद है ठीक है स्टूडेंट तो तीनों केमिकल कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंट है चेन डिफरेंट है ठीक है इसका नाम एन पेंटेन है इसका नाम आइसो पेंटेन है और इसका नाम न्यू पेंटेन है इन तीनों के अंदर जो चेन है ऑर्गेनिक यानी ये स्ट्रेट चेन के अंदर है इसमें एक ब्रांच है और इसमें दो ब्रांचेस है तो हैं तो ये तीनों आइसोमर्स लेकिन इनमें चेन जो है वो क्या है डिफरेंट है तो ये कहलाएंगे चेन आइसोमर नेक्स्ट है आपके पास पॉजिशन आइसोमेरिज्म पॉजिशन आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म होंगे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप की जो पॉजिशन होगी वो क्या होगी डिफरेंट होगी क्या होगी जब फंक्शनल ग्रुप की पॉजिशन आपके पास क्या होगी डिफरेंट होगी तो वो आपके पास पॉजिशन आइसोमेरिज्म कहलाएंगे ठीक है जैसे मिसाल के तौर पर ये एक केमिकल कंपाउंड है इसमें ओ एच एज अ फंक्शनल ग्रुप है और फर्स्ट नंबर पर लगा हुआ है तो ये आपके पास क्या लाएगा वन प्रोपेनोल इसी तरीके से ये दूसरा केमिकल कंपाउंड है जिसमें ओ OH एच जो है वो सेकेंड कार्बन पर लगा हुआ है तो ये क्या लाएगा टू प्रोपेनोल यानी आइसो प्रोपेनोल ये एन प्रोपेनोल है और ये क्या है आपके पास आइसो प्रोपेनोल है ठीक है नेक्स्ट जो है वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहलाते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स वो आइसोमर्स यानी कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स एंड दिनोमिना इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और वो फिनोमिना क्या कहलाएगा वो फिनोमिना आपके पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहलाएगा ठीक है यानी यहां पर फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है जैसे मिसाल के तौर पर ये दो केमिकल कंपाउंड है एक है प्रोपेनोन और एक है प्रोपेनल दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है यानी इसमें भी तीन कार्बन है इसमें भी तीन कार्बन है इसमें भी छह हाइड्रोजन है थ्री और थ्री सिक्स इसमें भी तीन और दो पांच और एक छह हाइड्रोजन है और दोनों में एक एक ऑक्सीजन है बट जो डिफरेंट है डिफरेंस है यहाँ पर वो क्या है वो है फंक्शनल ग्रुप किस चीज का डिफरेंस है फंक्शनल ग्रुप का जो है वो क्या है डिफरेंस है तो ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहलाते हैं क्या कहलाते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स नेक्स्ट जो टाइप है वो कहलाती है मेटामेरिज्म क्या कहलाती है मेटामेरिज्म मेटामेरिज्म में क्या होगा कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट इन नंबर ऑफ कार्बन एटम लेकिन उनमें जो कार्बन एटम होंगे वो डिफरेंट होंगे ऑन आइदर साइड ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप यानी मोलिकुलर फॉर्मुला सेम है फंक्शनल ग्रुप भी सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप के जो साइड पर जो आर ग्रुप लगे हुए होंगे वो डिफरेंट होंगे तो उसकी वजह से जो आपका जो उसकी वजह से जो आइसोमर्स बनेगा वो कहलाएगा मेटामेरिज्म क्या कहलाएगा मेटामेरिज्म एंड द फिनना इज कॉल्ड मेट वो आपके पास मेटामर्स कहलाएंगे और फिनोमिना आपके पास मेटामेरिज्म कहलाएगा इसमें आपके पास तीन एग्जांपल हैं ये आपको दिख रहा है ये इथाइल ईथर है ये ईथर का मतलब कार्बन ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो होंगे वो कार्बन की चेन होगी अब देखें इसमें भी चार कार्बन है इसमें भी चार कार्बन है और इसमें भी चार कार्बन है यहाँ एक तरफ दो कार्बन और दूसरी तरफ दो कार्बन है तो ये भी इथाइल है ये भी इथाइल है तो ये कहलाएगा डाई इथाइल ईथर यहां एक तरफ तीन कार्बन है और एक तरफ एक कार्बन है तो यानी फंक्शनल ग्रुप सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप के जो साइड पर यानी दोनों इतराफ जो कार्बन की चेन है वो क्या है डिफरेंट है थर्ड वन है आइस मिथाइल आइसोप्रोपाइलीथर मीथाइल आइसोप्रोपाइलीथर का मतलब कि एक तरफ एक कार्बन है और दूसरी तरफ जो तीन कार्बन है वो आपके पास किस तरह है प्रोपाइल यूनिट के अंदर है यानी उनकी जो अरेंजमेंट है वो क्या है डिफरेंट है तो ये तीनों एग्जाम्पल के अंदर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो सेम है यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सेम है लेकिन तीनों के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो भी सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप के इतराफ में यानी दोनों साइड में जो आपके पास आर ग्रुप लगे हुए वो क्या है डिफरेंट है तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं मेटामलिज्म कहलाते हैं और हमारा ये वाला टॉपिक जो है वो क्या होता है कंप्लीट होता है तो आइसोमर्स क्या होते हैं वो केमिकल कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा वो आइसोमर्स कहलाते हैं आइसोमर्स की चार टाइप होती हैं पहली होती है आपके पास जो कहलाती है चेन आइसोमरिज्म यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा स्ट्रक्चर में किस चीज का डिफरेंस होगा चेन डिफरेंट होगी दूसरी आपके पास कहलाती है पोजीशन आइसोमर्स यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है फंक्शनल ग्रुप भी सेम है लेकिन उनमें पोजीशन डिफरेंट है तीसरी टाइप कहलाती है आपके पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स मॉलिक्यूलर फॉर्मुला सेम है और जो डिफरेंस होगा दोनों का मोलिकुलर फॉर्मुला सेम है लेकिन दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है और जो चौथी टाइप है वो मेटामेरिज्म कहलाती है जहां पर मॉलिकुलर फॉर्मूला भी सेम होता है फंक्शनल ग्रुप भी सेम होता है फंक्शनल ग्रुप के जो साइड्स पर जो आपके पास अल्काइल रेडिकल लगे होते हैं वो आपके पास डिफरेंट होते हैं ठीक नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है ये एक छोटा सा टॉपिक है जो होमोलोगस सीरीज कहलाती है क्या कहलाती है इसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक ऐसी सीरीज होती है जहां पर हर कार्बन यानी एडजेसेंट कार्बन में यानी जो दो यानी एक कंपाउंड की पूरी सीरीज है और वहां दो कार्बन के दरमियान यानी दो कंपाउंड के दरमियान दो मेंबर के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो सी ग्रुप का होगा तो वो आपके पास क्या कहलाएगी

सीरीज तो होमोलोगा सीरीज का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक सीरीज है जैसे अल्केन की बात करते अल्केन की बात करते हैं मीथेन इथेन प्रोपेन मीथेन और इथेन को कंपेयर करें मीथेन का मॉलिकुलर फॉर्मुला सी एच फोर होता है इथेन का होता है सी टू एच सिक्स तो इन दोनों में कितने कार्बन का डिफरेंस है एक कार्बन का डिफरेंस है कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है तो यहाँ इस पूरी सीरीज के अंदर जो डिफरेंस होगा वो सी एच टू ग्रुप का होगा जिसको मिथाइलिन ग्रुप बोला जाता है अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिथाइलिन ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है तो वो आपके पास जो सीरीज कहलाएगी वो होमोलोगा सीरीज कहलाएगी क्या कहलाएगी होमोलोगा सीरीज होमोलोगा सीरीज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है सिमिलर स्ट्रक्चर कि जितने भी ऑल दी मेंबर ऑफ होमोलोगा सीरीज हैव सिमिलर स्ट्रक्चर जितने भी मेंबर होंगे होमोलोगा सीरीज के उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होगा जैसे अल्केन के तमाम मेंबर में जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहीड्रल होता है अल्कीन में ट्राइगोनल होता है और अल्काइन में क्या होता है लीनियर होता है तो ये एक पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट मेंबर ऑफ़ में होमोलोगा सीरीज डिफर फ्रॉम प्रीवियस वन प्रीवियस एंड नेक्स्ट वन मेंबर बाय ग्रुप यानी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है उसमें किस चीज का डिफरेंस होता है सी एच टू ग्रुप का तो यानी मिसाल के तौर पर अब देखो कोई एक मेंबर मैं आपको बता दूं जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया कि एक मेंबर है प्रोपेन प्रोपेन का फॉर्मूला होता है सी थ्री एच एट अब अगर प्रोपेन से आपको ब्यूटेन निकालना है तो उसमें सी एच टू एड कर दो ब्यूटेन आ जाएगा ब्यूटेन में क्या हो जाएगा सी थ्री में एक कार्बन ऐड करो सी फोर और एच एट में दो हाइड्रोजन ऐड कर दो यानी सी एच टू एड कर दो तो एच टेन हो जाएगा आपके पास क्या आ जाएगा ब्यूटेन आ जाएगा तो मोलिकुलर फॉर्मुले में किस चीज का डिफरेंस होता है सी एच टू ग्रुप का डिफरेंस होता है एग्जाम्पल जैसे मिसाल के तौर पर मिथेन हो गया इथेन हो गया प्रोपेन आ, आर फर्स्ट थ्री मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज जिसमें जो है वो किस चीज का डिफरेंस आ रहा है सिर्फ और सिर्फ सी एच टू ग्रुप का डिफरेंट आ रहा है किसका यानी मिथेन टू नेक्स्ट मेंबर में किस चीज का डिफरेंस आ रहा है सी एच टू ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है ठीक है नेक्स्ट, नेक्स्ट जो आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप आपके पास होमोलोगा होगा अल्केन हो गया अल्कोहल हो गया अब देखो अलकेन में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है खैर वहां तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है अल्केन की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है अलकाइन में फंक्शनल ग्रुप ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो यहां पर ऑल देंबर ऑफ ऑफ अल्कोहल सीरीज हैव हाइड्रोक्सिल यानी ओएच फंक्शनल ग्रुप यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है ओएच OH होता है ठीक है यानी इनका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा नेक्स्ट कैरेक्टर सिक्स क्या है इनका जर्नल फॉर्मूला भी सेम होगा जैसे ऑल दी मेंबर ऑफ होमोलोगा सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दी सेम जर्नल फॉर्मूला यानी इनका जो जर्नल फॉर्मूला होगा वो कैसा होगा सेम होगा यानी इनका जनरल फॉर्मूला तो भी कैसा होता है अल्किन आर रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फॉर्मूला सी एन एच टू एन माइनस टू और अलकाइन का जो सॉरी सी एन एच टू एन होता है और अलकाइन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है सी एन एच टू एन माइनस टू तो चौथा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि इनका जर्नल फॉर्मूला सेम होता है पांचवी कैरेटरिस्टिक्स है मॉलिक्यूलर मास के मॉलिक्यूलर मास जो होता है एक मेंबर का दूसरे मेंबर से मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी टू कंजेक्टिव मेंबर ऑफ होमोलोगा सीरीज डिफर बाय 14 यूनिट यानी जो मॉलिक्यूलर मास में जो डिफरेंस होगा वो किसका होगा सी एच टू ग्रुप का होगा ठीक है Uh, इसके अलावा जो छठा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी तमाम केमिकल जो जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी सेम होगी क्यों क्योंकि वहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है सेम होता है जैसे ऑल दी मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज बर्न इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड एंड वाटर ठीक है एंड अंडर गो सब्सिट्यूशन रिएक्शन विद हेलोजन तो जितने भी अलकेन हैं उन सबको अगर आप एयर में बर्न करोगे तो उससे दो ही प्रोडक्ट मिलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसी तरह सब जो है वो हैलोजन के साथ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देंगे तो कहने का मतलब ये है कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो सिमिलर होंगी उसकी वजह ये होती है क्योंकि यहाँ पर जो आपका उसकी वजह ये है कि केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होने की वजह ये होती है कि आपका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है नेक्स्ट है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज के उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी डिफरेंट होगी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेंबर ऑफ होमोलोगा सीरीज चेंज ग्रेजुअली एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम पर मॉलिक्यूल इंक्रीज अब जैसे जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एड होते नंबर ऑफ एटम एड होते रहेंगे वैसे वैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो क्या होती रहेंगी चेंज होती रहेंगी जैसे मिसाल के तौर पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन इंक्रीज अलॉन्ग दिस सीरीज सो दैट द फर्स्ट मेंबर फर्स्ट फोर मेंबर आर गैशियस पहले जो चार मेंबर होते हैं वो गैशियस होते हैं एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर मेंबर विथ फाइव एंड सेवनटीन फाइव टू सेवनटीन कार्बन एटम पर मॉलिक्यूल आर लिक्विड वाइल सॉलिड तो पांच से सत्रह तक जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं और उससे आगे के जो होते हैं वो आपके पास वैक्स लाइक सॉलिड होते हैं इसी तरह डेंसिटीज ऑफ आर आल्सो इंक्रीज अलोंग अल्के सीरीज अल्केन की जो डेंसिटीज होती है वो भी जो है वो इंक्रीज होती है और सॉलिबिलिटी ऑफ अल्केन डिक्रीज अलोंग द सीरीज के अल्केन की जो सॉलिबिलिटी होती है वो डिक्रीज होती है तो देखो यहां पर हमने बात की है कि केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम थी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या थी डिफरेंट थी भाई क्यों डिफरेंट होती हैं क्योंकि जैसे जैसे आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होने की वजह क्या होती है वो ये होती है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती रहेंगी क्यों चेंज होंगी नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने से उसका एटॉमिक वेट बढ़ेगा एटोमिक वेट बढ़ने से उसका बॉयलिंग पॉइंट जो होगा वो इंक्रीज होगा और इसीलिए जो पहले के जो चार मेंबर होते हैं वो गैशेज होते हैं उनका बॉयलिंग पॉइंट कम होता है फिर पांचवें से लेकर सत्रह तक के जो मेंबर होते हैं वो आपके पास लिक्विड होते

वाटर जो होता है वो पोलर होता है तो जितने ज्यादा कार्बन एटम बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे नॉन पोलैरिटी बढ़ती जाएगी बट वाटर पोलर है तो एक चीज पोलर है दूसरी चीज नॉन पोलर है और नॉन पोलर हो रही है मजीद नॉन पोलर से नॉन पोलर होती 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 चली जा रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉन पोलैरिटी बढ़ रही है और अगर नॉन पोलैरिटी बढ़ रही है तो अगर नॉन पोलैरिटी आपकी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब आपकी सॉलिबिलिटी कम होगी क्योंकि सॉलिबिलिटी का जो रूल है वो है लाइक डिजोल्व लाइक एक जैसे एक दूसरे के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं अच्छा नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लास्ट है वो है सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन इनकी जो मेथड का जो प्रिपरेशन होता है वो क्या होता है सेम होता है जैसे जनरली ऑल दी मेंबर ऑफ अलोगा सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सेम मेथड कि अल्किन को अगर आपने तैयार करना है तो तमाम के तमाम मेंबर को आप एक ही मैथड से क्या कर सकते हैं तैयार कर सकते हैं ठीक है इनका जर्नल प्रिपरेशन का मैथड भी होता है तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा ये चैप्टर नंबर सिक्स जो है वो क्या होता है कंप्लीट होता है ठीक है इस चैप्टर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन पर बात की फिर हमने चैप्टर टॉपिक नंबर वन पर बात की नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फिर हमने टॉपिक नंबर टू पर बात की जिसमें हमने आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन पर बात की फिर हमने टॉपिक नंबर थ्री पर हमने बात की जिसमें पॉलीमराइजेशन पर बात की फिर हमने आपसे एक टॉपिक पर बात की आइसोमेरिज्म पर और फाइनली हमने जो टॉपिक डिस्कस किया है वो होमोलोगस् सीरीज़ है तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर सिक्स रिविजन का चैप्टर नंबर सिक्स कंप्लीट होता है अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़